what's up all my mba aspirants welcome to mba wala my physics wala this is amit Rora your vrc expert right here or i am super duper excited to finally finally kickstart cat 2024 ke liye the very important hamara essentials batch

टू कॉन्सेप्ट सो प्लीज पे अटेंशन तो क्या करेंगे आज के वीडियो में पहले पहले यह देख लेते हैं मैं आपको दिखाऊंगा हंड्रेड परसेंट किलर किलर स्ट्रैटेजीज जिसके बेसिस पे आप अजामशन और कंक्लूजन क्वेश्चन को स्पॉट कर पाओगे एंड उनको आइडेंटिफाई कर पाओगे हम लोग करेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन थियोरी भी होगा लेकिन सॉल्विंग भी होगा सो गेट योर बुक्स एंड पेंस आउट एंड स्टार्ट गेटिंग रेडी टू सॉल्व इसके अलावा आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा देंगे नॉट टू फरगेट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो इस कॉन्सेप्ट में आते हैं एंड फाइनली लेट मी ऑल्सो इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मेरा नाम है अमित रोरा वैसे यू गाइज सीन मी हियर इन केस यू हैव हैवेंट आई एम योर वी ए आर सी एक्सपर्ट हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है जहां पे हमने ऑल पॉसिबल मेजर एग्जाम्स ऑफ द वर्ल्ड पढ़ा रखे हैं ठीक है इसके अलावा आई हैव हेल्प अ लॉड ऑफ स्टूडेंट्स अचीव दे आर

अनस्टेटेड प्रेमाइसिस ठीक है प्रेमाइसिस मतलब कोई भी प्रकार का फैक्ट दैट मस्ट बी ट्रू फॉर एन आर्ग्यूमेंट टू होल्ड बेटा आर्ग्यूमेंट क्या होता है एवरी थिंग दैट इज स्टेटेड ठीक है सो so, अजमशन वो चीज है जो नहीं दिया गया है लेकिन इट हैज टू बी ट्रू वरना जो आर्ग्यूमेंट दिया गया है वो फॉल्स हो जाएगा ऐसा समझ लो ठीक है दे आर द अंडरलाइंग बिलीफ और कंडीशन ये बड़ा जरूरी है दैट द ऑथर हैज टेकन फॉर ग्रांटेड सो ऑथर का बिलीफ ऑथर का लॉजिक ठीक है इन राइटिंग समथिंग अभी वो क्या रहेगा ऑथर उसको या सपोर्ट करेगा या उसके खिलाफ जाएगा या हैप्पी होगा या सैड होगा वो सब इसमें आएगा ठीक है आइडेंटिफाइंग क्रूशियल हंड्रेड परसेंट बिकॉज इफ द द्श आर फॉल्स कंक्लूजन विल बी क्वेश्चनेबल

ऑथर का थॉट प्रोसेस लिखने वाले का थॉट प्रोसेस आपको बार बार खुद को यह बतलाना है पूछना है एंड अगर ही फॉल्स हो गया पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट ही फॉल्स हो जाएगा बस कीप दिस इन माइंड ठीक है स्लोली स्टोरी करेंगे आराम आराम से कंक्लूजन क्या है बहुत आसान है तो इज द स्टार्टिंग पॉइंट अजामशिन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ये सोच के ऑथर लिखता है उसी प्रकार से कंक्लूजन क्या हुआ एंड पॉइंट कंक्लूजन को हम लोग बोल सकते हैं आउटकम्स जरा सुनो पढ़ते हैं दे आर द मेन पॉइंट और आउटकम्सा यह डिराइव वर्द बहुत जरूरी है क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो फनल बनता है दैट इज योर कंक्लूजन समझ में आ रहा है सो दैट इज द ओवरऑल समेशन जो बाहर निकल के आ रहा है हेंस दे गिव एन इंफॉर्मेशन दे रेप्रेजेंट ऑथर का स्टैंड और पीओवी ऑथर का पीओवी व्यू पॉइंट अंडरस्टैंडिंग कंक्लूजनशियल टू एक्सेस द लॉजिक ऑफ द आर्ग्यूमेंट इट सिंपल एज दुनो सोच के कुछ लिखा ऑथर <coughs> ने सोच के कुछ बोला ऑथर बिलीव इन समथिंग ठीक है दैट इज दब उसके बेसिस पे ऑथर ने लिखा पटर 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 ठीक है पटर वन पटर टू पटर थ्री समझा अभी वो तीन पटर पटर के बेसिस पे एक मेन कंक्लूजन आएगा Because what does the author finally, finally want to conclude? What does the author want to say? उसका लॉज, उसका मैसेज क्या है That is the conclusion. धीरे धीरे समझ आ रहा है So दो चीजें कैसे याद रखेंगे Assumption, TP, Thought Process. Conclusion is the final message. ठीक है ऐसे करके याद रख लो तो Assumption and Conclusion. Don't worry, आराम आराम से करेंगे अभी सॉल्विंग बाकी है आराम से करो ठीक है चलो सो थोड़े टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं Which of the following, if assumed, enables the conclusion of the argument to be properly drawn? बेटा ये सवाल पढ़ने के बाद ऐसे लग रहा है कि बु 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 क्योंकि यही समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें assumption पूछा है कि conclusion पूछा है लेकिन assumption पूछा है assumption पूछा है देखो which of the following, if assumed, will enable the conclusion? So definitely assumption पूछा है ठीक है The conclusion follows logically from the premises if च और दॉलोइंग इज अज्यूम्ड इसमें भी अजम्पन पूछा है अब देखो सवाल कितने पेचीदे हैं ठीक है देखा? तो ये होता है क्योंकि कितनी बार बच्चों को पैसे समझ में आ जाता है ऑप्शन समझ में आ जाते हैं क्वेश्चन ही नहीं समझता इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि कंफ्यूज मत होना इफ के बाद वाला पार्ट इज योर क्वेश्चन इफ के बाद वाला पार्ट इज योर क्वेश्चन ये याद रख लो ठीक है ना दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन चलिए तो स्लोली स्लोली मजा आ रहा है समझ आ रहा है नाउ वी आर गेटिंग इन टू समिंग मोर डीप डाइव ठीक है, तो so, अभी सर थोड़ा यह बताओ कि अजम्पन कंक्लूजन को ढूंढे कैसे इनको करे क्या हम लोग तो देख लेते हैं देखो बेटा अजम्पन में ना हमेशा लुक फॉर गैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है मैं समझाता हूं कि गैप्स कहां पे आएगा विच इज एनी मिसिंग स्टेप एनी अनस्टेटेड इन दर्ग्यूमेंट पहली बात तो ना यारे बार बार तो नहीं, नहीं होता जो आप अपने से करते हो, जब आपको Pro, Max, वो नहीं होता है ये अलग होता है हम समझाते हैं देखो सारे क्रिटिकल रीजनिंग के जो सवाल होते हैं उसके स्ट्रक्चर में क्या होता है देर इज अस प्रथिंग बट अ फैक्ट और विच लीड्स टू अंक्लूजन क्लूजन इज न आउटकम अभी बेटा इसके बेसिस पे देर इज असिंग लिंक और द ऑथर का थॉट प्रोसेस दिस इज योर अजम्पन ये बना आपका पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट अभी समझा तो आर्ग्यूमेंट के तीन भाग होते हैं क्या बोला अमित सर ने देर इज अ प्रेमाइस ज अट ऑफ फैक्ट जिसको आप अज्यूम टू भी ट्रू करते हो उसके बेसिस पे कंक्लूजन आता है लेकिन हंड्रेड परसेंट वो कंक्लूजन के पहले एक अजम्पन होता है जो नहीं दिया गया है so essentially आपका argument कैसे बना assumption leading to premise leading to conclusion बस ये याद रख लो APC assumption leading to premise leading to conclusion ठीक है तो so, ये हो गया आपका गैप ठीक है अच्छा पे अटेंशन टू लैंग्वेज अभी ये मेरा गुरु मंत्रा लिस्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है मास्टर लिस्ट बोलते हैं इसको ML, ठीक है इसको बाय हार्ट कर लो सो वेन एवर देर आर वर्ड लाइक सिंस बिकॉज ड्यू टू दे इंडिकेट अ कंक्लूजन वाइल अज्यूमिंग प्रेज्यूमिंग टेकिंग फॉर ग्रांटेड इज इग्नल एंड अजम्पन तो मैं ये पार्ट को हाईलाइट कर रहा हूं बेटा ये नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे मेरे हैंडराइटिंग के साथ इन पीडब्ल्यू एप एंड द वेबसाइट उसको प्लीज सेव कर लेना ठीक है सो सिंस बिकॉज ड्यू टू कंक्लूजन अज्यूमिंग प्रिज्यूमिंग टेकन फॉर ग्रांटेड अजाम्शन बेटा इसको मत भूलना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है चलो तो अभी कंक्लूजन पे भी आ जाते हैं सर तो अजम्पन के लिए हमने क्या बोला थॉट प्रोसेस है स्टार्टिंग पॉइंट है है मिसिंग लिंक गैप है एंड वर्ड्स लाइक यू नो टेकन फॉर ग्रांटेड प्रिज्यूमिंग अज्यूमिंग कंक्लूजन की क्या कंक्लूजन में मेन पॉइंट को पहले पहले ढूंढो अभी ये मेन पॉइंट क्या होता है सर सुन लो मेन पॉइंट इज नथिंग बट ऑथर का थीम और uh, पैसेज का थीम ऑथर का पीओवी अभी मेन थीम पता है क्या हो सकता है खुद को पूछो अगर आप एक चेकलिस्ट रखो कि ना सोलविंग्फ ऑथर आपको कुछ कन्विंस कर रहा है कि डिस्करेज कर रहा है ऑथर हैप्पी है कि सैड है ऑथर इज यू नो सेलिंग यू समथिंग और डीप यू समथिंग प्रमोटिंग समथिंग और डिमोटिंग समथिंग खत्म कहानी आपको समझ में आ जाएगा बिकॉज बेटा be हर एक पैराग्राफ में पैसेज में ऑथर या तो प्रो बोलता है या तो कौन बोलता है या न्यूट्रल भी रह सकता है कोई बड़ी बात नहीं है दैट इज द मेन पॉइंट तो वो फाइंड आउट करो ठीक है सो डिटर्मिन ओवर आर्चिंग आइडिया बेटा ओवर आर्चिंग आइडिया मतलब के ब्रॉड आइडिया या तो ओवरऑल आइडिया दैट ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे ऑथर क्या बतला रहा है ठीक है लुक फॉर इंडिकेटर्स कौन से एक वापिस देखो अमित सर हमेशा की वर्ड्स पे खेलते हैं आई लाइक डूइंग दैट तो लाइक दस इंडिकेट कंक्लूजन इसको हम लोग हाईलाइट करेंगे ताकि जब मेरे रॉक स्टार्स को नोट्स मिले तो वो समझ जाए कि ये पार्ट अमित सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बोला था दिस विल इंडिकेट अ कंक्लूजन ठीक है सो समझ में आ रहा है स्लोली स्लोली अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उनको स्ट्रैटेजीज ढूंढने के क्लियर हो गए मैं आपको एकदम इन शॉर्ट समझा रहा हूं बिकॉज दीज आर द बेसिक इसेंशियल दैट यू नीड ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अभी अभी ठीक है नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आ सकती है आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे सर हमको समझ में तो आ गया अजाम्शन कैसे ढूंढना है वो भी समझ में आ गया लेकिन चार ऑप्शन होते हैं हमारे लाइफ में जो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं तो उनमें से दो ऑप्शन निकल जाते हैं दो ऑप्शन रह जाते हैं या तो उन चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कैसे ढूंढे ऐसे ठीक है सो हाउ टू बी आइडेंटिफाई करेक्ट अजाम्पन कंक्लूजन बहुत आसान है बेटा आजाम्शन के किस में ये सारा ना मेरा एक चेकलिस्ट है तो so, इसको ऐसे याद रख लो जहां पे मैंने आपको एकदम इन शॉर्ट इजी वे से समझाया बिकॉज दिस इज द बैच है ना तो so, बेटा के केस में पहले पहले चेक करो रेलिवेंस रेलिवेंस का मतलब है इट शुड बी रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल देते हैं एग्जाम्पल देते हैं थियोरी से पहले अगर मैं बोलू एक स्टेटमेंट सन राइजेस इन द ईस्ट सन राइजेस इन द ईस्ट इसका अजाम्शन क्या है इसका अजाम्शन है इज समथिंग कॉल्ड सन एंड देर इज समिंग कॉल्ड एज ईस्ट क्योंकि सन होगा ईस्ट होगा तभी तो यह सेंटेंस आएगा इतना समझा अच्छा अगर अभी आपके अजाम्शन ऑप्शन में मैं बात करूं इज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम रिजेक्ट इेलोवेंट है सोलर सिस्टम की बात कहां से आ गई या मैं बोलू कि अलोंग विथ ईस्ट देर इज ऑल्सो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन रिजेक्ट क्योंकि आपने एक न्यू कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया टू रिमेंबर योर ऑप्शन शुड बी अराउंड सन एंड ईस्ट आपने जहां पर कुछ न्यू एलिमेंट को इंट्रोड्यूस किया फॉरन या एलियन एलिमेंट को रिजेक्ट तो शुड बी रेलिवेंट अजाम रेलिवेंट टू दंक्लूजन इट शुड बी रिलेटेड तो वो की वर्ड पैसेज में से आने चाहिए ठीक है नेसेसिटी आर्ग्यूमेंट विल हंड्रेड परसेंट फॉल अ पार्ट ऑफ दॉल्स ये मैंने आपको समझाया था इसको ना ऐसे करके समझ लो बेटा बहुत आसान है Assumption को ना जो आपके ऑप्शन आए हैं उसको उल्टा करना शुरू कर दो उल्टा मतलब अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो समझा ठीक है अगर मैं बोलूं समथिंग इज गुड तो उसका उल्टा क्या होगा समथिंग इज नॉट गुड अगर मैं बोलूं समथिंग इज नॉट गुड समथिंग इज गुड समझा आपको तो ना आपके ऑप्शन को नेगेट करना शुरू कर दो अब ऑप्शन को नेगेट करने के बाद गो एंड चेक द आर्ग्यूमेंट और ये देखो कि नेगेट करने के बेसिस पे आर्ग्यूमेंट पे असर पड़ता है क्या अगर असर नहीं पड़ता आई पड़ताइज इन द ईस्ट और मैं आपको बोलूं मून राइजेज इन द देश सनराइज इन द ईस्ट और मैं आपको ऑप्शन में बोलता हूं मून राइजेज इन द वेस्ट इसको नेगेट करते हैं नेगेट करके क्या हुआ मून डज नॉट राइज इन द वेस्ट मून डज नॉट राइज इन द वेस्ट अभी मेरे आर्ग्यूमेंट पे फर्क पड़ा नहीं क्योंकि वो सन और ईस्ट की बात कर रहा है तो ना तो ये रेलिवेंट है ना तो ये अजम्पन है गॉड इट ट्राई डूइंग दैट जहां पे आप ऑप्शन को उल्टा करके चेक करो आर्ग्यूमेंट को कुछ हो भी रहा है वेरी पावरफुल टेस्ट ठीक है एंड फाइनली जो मेरा पर्सनल फेवरेट है देखो यार आपको यही पे यूट्यूब पे हजारों टीचर्स बहुत ज्ञान देते हैं आई अग्री आई नो राइट अमृतसर भी उनमें से एक है लेकिन बेटा Common sense को घर पे मत छोड़ के जाना कॉमन सेंस लगाओ सेंस अभी कैसे पता चलेगा सर आप तो बोल के निकल जाते हो लॉजिकल सेंस मतलब बेटा थॉट प्रोसेस आपको बार बार खुद को ये बताना है कि क्या ये ऑथर ने सोच के ये लिखा होगा क्या ऑथर ने ऐसे ही देख के लिखा होगा बस इट विल मेक कंप्लीट सेंस टू यू मेरा प्रॉमिस है ठीक है चलो सो so हो गया सो वॉट विल यू चेक फॉर अजाम इट शुड बी रेलिवेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इट हैज टू बी ट्रू फॉर द मेन स्टेटमेंट टू बी ट्रू ठीक है एंड फाइनली यू विल चेक फॉर कॉमन सेंस मतलब लॉजिकल रिलेशनशिप होना चाहिए यार उसके बेसिस पे ही अजम्पन आएगा वरना क्यों ही आएगा चलो इसी के साथ अभी आते हैं कंक्लूजन पे हमारे ऑप्शन में से कंक्लूजन को कैसे ढूंढेंगे तो बेटा पहली बात तो ब्रॉडनेस मतलब करेक्ट कंक्लूजन शुड कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट इसका मतलब क्या हंड्रेड परसेंट एज ए पेपर सेटर मैं आपको ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसे दूंगा जो होगा पार्ट कंक्लूजन या तो एक नैरो इन्फरेंस ठीक है बेटा ये याद रखना दैट इज नॉट द राइट आंसर क्योंकि आपको वो ढूंढना है जो आपके पूरे आर्ग्यूमेंट को कंक्लूड कर सके जो आपके सारे एस्पेक्ट्स और कीवर्ड्स को कवर कर ले दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो ये बात डोंट फॉरगेट एंड कीप दिस इन योर माइंड ठीक है सो इट शुड कवर एवरीथिंग एंड इट शुड बी एबल टू सम अप एवरीथिंग ठीक है वो हो गया अच्छा उसके बाद आता है वेरी क्रूशियल पॉइंट कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी बहुत इंटरेस्टिंग है इट शुड अलाइन विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अलाइन मतलब फिर से इंक्लूड ठीक है तो मतलब कि ये सिमिलर टू हमारा रेलिवेंट भी है कंसिस्टेंसी हमारा रेलिवेंट की तरह ही है सिमिलर ही है सिमिलर ही है ठीक है मतलब इसमें आप कोई न्यू एलिमेंट को, को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते आप कोई भलता बाहर से एलिमेंट लेके नहीं आ सकते इट शुड बी इन लाइन इट शुड बी रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट मैटर ओनली ठीक है एंड फाइनली प्रिशन सुनो थोड़ा फैंसी फैंसी वर्ड्स है पटल पटल पर बहुत आसान है प्रिसीशन मतलब ओवरली ब्रॉड और वेग स्टेटमेंट वेग मतलब अजीब

इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हम लोग क्या बोल सकते हैं आप हम लोग बोल सकते हैं इंडिया इज वन ऑफ द मेजर ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड ऐसे कर सकते हैं कैन बी कंक्लूड समथिंग लाइक इंडिया इज द बेस्ट इकॉनॉमी इंडिया इज द लार्जेस्ट नहीं वो बहुत ब्रॉड हो गया वो बहुत एक्सट्रीम हो गया

ठीक है सो ये सब चीजें आपको आएंगी बट वाई एम आई गिविंग यू ऑल दिस दिस इज नथिंग बट योर चेकलिस्ट तो बेटा ये नोट्स बहुत पावरफुल है इनिशियली जब सॉल्व कर रहे हो नो मैटर वॉट एग्जाम यू आर गिविंग कैट ओमेट्स जी मैट एनी एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड सिट विद अमित सर के नोट्स एंड सॉल्व करते वक्त इससे कंपेयर करो इज इज इट रेलिवेंट इज इट नेसेसिटी इज इट कंसिस्टेंट हंड्रेड परसेंट चमकेगा ठीक है चलो बेटा अभी तक समझ आ रहा है मजा आ रहा है आई होप एवरीबडीज अंडरस्टैंडिंग समझ आ रहा है तो जाके कॉमेंट सेक्शन में फायर इमोजी लगाओ, लगाओ अमित सर के लिए सो दिन आई फील गुड ठीक है एंड डेफिनेटली मेरे से बात करते रहो यार चलो सो so पीपल अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया हम लोगों ने स्ट्रेटजीज देख लिए हम लोगों ने यह भी देख लिया कि हम लोग ऑप्शंस में से कैसे निकालेंगे अब चलते हैं कि हाउ डू वी यूज स्टेप बाई स्टेप इनको सॉल्व कैसे करते हैं धीरे धीरे आराम से so, मैं आपको भी बेबी स्टेप समझा रहा हूं एनी सॉर्ट ऑफ अजम्पन एंड कंक्लूजन क्वेश्चन को आराम से देखो टेंशन मत लो ठीक है देखो तो बेटा हंड्रेड परसेंट अजम्प्शन की बात करते हैं ठीक है तो बेस्ट थिंग एवर इज पहले पहले कंक्लूजन को आइडेंटिफाई कर दो ठीक है कंक्लूजन कैसे मिलेगा ठीक है कंक्लूजन विच विल बी द मेन मेन पॉइंट पॉइंट मतलब द the थीम का पीओवी का लॉजिक ऑथर का स्टैंड बेटा ये तो तुम आइडेंटिफाई कर ही सकते हो मतलब ऑथर कोई चीज के प्रति है कि खिलाफ है ऑथर खुश है कि दुखी है ऑथर आपको कुछ बेच रहा है कि बोल रहा है कि मत खरीदो समथिंग लाइक दैट सो पहली बात तो वो

अच्छा वो उसके बेसिस पे अब तक बेटा थोड़ा प्रिडिक्ट करो प्रिडिक्ट मतलब के अगर सन राइजेस इन द ईस्ट है तो ऑथर ने सन और ईस्ट के बारे में ही कोई अजम्पन बनाया रहेगा तो कीवर्ड्स के बेसिस पे लर्न टू प्रिडिक्ट अजाम्शन इससे ना आपकी गेम एकदम सॉलिड हो जाएगी मतलब बिफोर गोइंग टू दी ऑप्शन आप दिमाग में सोच लोगे कि ऑप्शन इन कीवर्ड्स के इर्द गिर्द ही होना चाहिए सोचो Then it's just a matter of match the columns. Match the columns मतलब आपने जो keywords सोचे ऑप्शन में वो keywords होना चाहिए ठाक ठीक हो गया दैट्स हाउ इजी इट इज ठीक है So एंटीसिपेट what मस्ट बी ट्रू फॉर द कंक्लूजन टू बी वैलिड ठीक है मतलब के लॉजिकल बेसिस पे रिलेटेड बेसिस पे नेसेसिटी बेसिस जो हमने पहले पढ़ा हुआ अभी एंड फाइनली चेक द आंसर choices। अभी आप एक एक आंसर को इवेल्युएट करो ठीक है हंड्रेड मैं आपको बताऊंगा एलिमिनेट कौन से करना है मैं बताऊंगा एलिमिनेट चॉइसेस दैट डोंट फुलफिल द क्राइटेरिया जो हंड्रेड परसेंट आउट ऑफ स्कोप है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है बैठेंगे ही नहीं उसमें उसको निकालो उसको हटाओ दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क एज सिंपल एज दैट ठीक है सो so, ये इजी वे है टू डू इट हंड्रेड वर्क करेगा बट पीपल आराम आराम से करना है दिस इज हाउ ठीक है एजम्पन को हम लोग आइडेंटिफाई हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो पहले कंक्लूजन को ढूंढेंगे उसके बाद मिसिंग लिंक्स लगाएंगे एजम्प्शन को ट्राई करके कीवर्ड्स के बेसिस प्रेडिक्ट करेंगे एंड फाइनली एक एक करके आंसर की एलिमिनेट करेंगे तो अभी अजम्पन का सीख लिया है तो कंक्लूजन का भी बनता है सर तो वो भी आराम से देखो ठीक है कंक्लूजन के केस में हंड्रेड परसेंट टू आइडेंटिफाई टू सॉल्व ठीक है पहली बात तो आर्ग्यूमेंट को अंडरस्टैंड आराम से पहले समझो सीखो ठीक है ग्रैस्प द मेन आइडिया एंड द सपोर्टिंग पॉइंट अभी सुन लो सपोर्टिंग पॉइंट मतलब डेटा फैक्ट्स ठीक है इट कुड बी स्टेटमेंट ठीक है ये सब जो ऑथर आपको देगा विच इज सपोज टू बी ट्रू उसके बेसिस पे आप एक मेन आइडिया का एक थीम बनाओगे थीम मतलब कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है ऑथर ने ये 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 अभी देखो यार देखो देखो कॉमन सेंस है अगर मैं आपको बोलूं कि जी ट्वेंटी समेत अच्छा गया इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है पर कैपिटल कंजम्पशन बढ़ रहा है मतलब ऑब्वियसली ऑथर इंडिया की बजा नहीं रहा है इंडिया के बारे में कुछ अच्छा ही बोल रहा है कॉमन सेंस है वो आपका बन गया थीम वो आपका बन गया मेन पॉइंट मतलब अभी कंक्लूजन में कुछ तो इंडिया की तारीफ आएगी इंडिया के ग्रोथ के बारे में आएगा दिस इज वॉट यू शुड कीप इन माइंड

एनीथिंग विच इज डिस्टोर्टेड कंक्लूजन विच आर डिस्टोर्टेड मतलब द आर्ग्यूमेंट हंड्रेड परसेंट अगर मैं इंडिया का शाइनिंग 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 बोल रहा हूं इंडिया बोले तो ये बोले तो वो आई कैनोट गिव यू आर कंक्लूजन जिसमें इंडिया की बज रही है वो कॉन्ट्रोडिक्ट डिस्टोर्टेड है ठीक है एंड वंस अगेन अगर मैं इंडिया की इकोनोमी के बारे में बात कर रहा हूं सडनली मैंने इंडिया के एग्रीकल्चर के बारे में बात करना शुरू कर दिया या जी ट्वेंटी समिट के बेसिस पे मैं ले गया डिप्लोमैटिक रिलेशन पे बेटा जी ट्वेंटी समिट वॉज वन पार्ट मैंने पर जी डी पी और पर में बात की है तो पार्ट कंक्लूजन इनवेलिड है ये सब बातों पर प्लीज ध्यान देना मैं आपको इसके एग्जाम्पल बता रहा हूं लेकिन हम लोग सॉल्विंग भी बहुत करेंगे तो यू विल बिकम क्रिस्टल क्लियर ठीक है चलो पीपल नाउ लास्ट देन वी स्टार्ट सॉल्विंग बहुत ज्ञान हो रहा है ना आई नो कि सर अभी ये बता दो कि हम लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि हम दो ऑप्शंस में रह जाते हैं अटक जाते हैं उनको कैसे सॉल्व करें तो बेटा अभी समझ लो कि फाइनली आप ये आंसर चॉइसेस को कैसे हटाओगे देखो बहुत आसान है ठीक है तो बेटा अजम्पशन के केस में ये है वापस हैश टैग सर का मास्टर लिस्ट याद रख लो चेकलिस्ट है अल्टीमेट है जब आप दो ऑप्शन में अटको या आपको ओवरऑल कंफ्यूजन हो तो बेटा एनीथिंग विच इज एक्सट्रीम ठीक है हाउ डू बी नो एनीथिंग इज एक्सट्रीम एक्सट्रीम मतलब ऑलवेज नेवर ठीक है मेजोरिटी या तो ऑल ठीक है नन ये सारे हो गए एक्सट्रीम इमिजिएटली रेड फ्लैग है बहुत बड़ा रेड फ्लैग है इनसे बच के रहो ठीक है सो इफ एन आंसर चॉइस इज टू एक्सट्रीम इट इज लाइकली बेटा लाइकली मतलब यार 99% नाइन परसेंट अभी ना इसको थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ले लो बेटा मैं मैं सिखा आर सी रहा हूं क्वांट जोमेट्री एल्जेब्रा नहीं सिखा रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल्स ने अप्लाई किया खत्म कहानी ठीक है ना मैं आपको ये थोड़ा लॉजिक सिखा रहा हूं तो ना 99% परसेंट एक्सट्रीम विल नॉट वर्क लेकिन वॉट इफ द पैसेज इज ओनली एक्सट्रीम वॉट इफ पैसेज में ही ऑथर बोल रहा है ऑल पीपल मेजोरिटी ऑलवेज देन आपका अजम्शन भी मेजोरिटी मतलब वही रहेगा तो उसके हिसाब से मैच कर लेना बट जनरली नहीं रहता है जनरली इट इज मॉडरेट इट इज नॉट एक्सट्रीम ये याद रखना ठीक है चलो आउट ऑफ स्कोप मेरे फेवरेट है आउट ऑफ स्कोप को हम लोग बोलते हैं एलियन ठीक है सो चॉइसेस दैट इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज अनरिलेटेड टू द आर्ग्यूमेंट स्ट्रेट अवे हटाओ बाहर पेको ठीक है दे विल हंड्रेड परसेंट नॉट होल्ड गुड दे विल नॉट बी वैलिड एंड दे विल बी इवेंट ठीक है सो so, ये हो गए क्योंकि ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट बीच में आ रहे हैं अच्छा फाइनली इंट इन्फो मतलब इफ एन द ठीक है मतलब कि हमने बात की की सन और और ईस्ट एंड आपके ऑप्शन में आ गया मून वेस्ट ठीक है इरेलीवेंट हो गया कुछ नया कॉन्सेप्ट आ गया ऑल टूगेदर नहीं हो रहा है अच्छा आपने उसको नेगेट करके देखा नेगेट करने के बाद भी फर्क नहीं पड़ रहा है सो so पीपल इसको हंड्रेड हटाओ अच्छा तो हमने क्या क्या पढ़ा पहली बात तो एनीथिंग विच इज वेरी एक्सट्रीम

टू जनरल बेटा टू स्पेसिफिक का मतलब होता है अगर कोई ऑप्शन ना बड़ा ही नैरो हो गया ठीक है देन इट इज रॉन्ग ठीक है जनरल मतलब कि अगर कोई बहुत ही ज्यादा ब्रॉड हो गया मैं एक एग्जाम्पल देता हूं सपोज इफ द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट ठीक है पैसेज इज टॉकिंग अबाउट इंडिया में लोकसभा के इलेक्शन एंड आपके कंक्लूजन में आ गया प्रेसिडेंशियल या प्राइम मिनिस्टर जनरल सॉरी प्राइम मिनिस्टर तो नहीं होता जनरल इलेक्शंस तो बेटा गलत हो गया क्योंकि अब आप, आप खाली एक्चुअली लोकसभा जनरल सॉरी में होता है मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के गवर्नर के इलेक्शन ठीक है वो बेटर लेते हैं चलो अमेरिका के गवर्नर के इलेक्शन स्टेट वाइज गवर्नर बनते हैं एंड मैं कंक्लूजन में दे दू

ठीक है, सो पीपल आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर अभी तक हम लोगों ने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने उसको कैसे स्पॉट करना है आंसर चॉइसेस किस प्रकार के होते हैं सवाल किस प्रकार के होते हैं एलिमिनेट कैसे करना है रेड फ्लैग्स कौन से हैं, कीवर्ड्स कौन से हैं, सब देख लिया बस अभी ज्ञान थोड़ा कम सर बहुत हो गया अब करते हैं सॉल्व एक एक सवाल अमित सर आपको दिखाएंगे आई विल गिव यू टाइम यू विल सॉल्व इट राइट नाउ

चलो अब इसको डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट बोल रहा है कि गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट एन एट लेन सुपर हाईवे ठीक है तो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट बना रहा है बड़ा सा ब्रिज अक्रॉस द स्टेट टू फैसिलिटेट फास्ट मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स तो गवर्नमेंट ब्रिज बना रहा है गवर्नमेंट ब्रिज क्यों बना रहा है ताकि जल्दी जल्दी उस पर गाड़ियां जा सके कॉमन सेंस है अब इसका अजम्पन में आपको इसको इसके ऊपर रखना है दिस शुड लीड टू दिस ऐसे याद रखना

There is no other highway which can be used for transportation of goods across the state. Now, can this be a thought process to this? के there is no other highway. Therefore, I will construct a eight lane super highway for fast movement. अभी आप सोचोगे हाँ सर हो सकता है, पर मैं बोलूँगा नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब आप देख रहे हो people, this option is hashtag कुछ भी, कुछ भी मतलब के possibility है भी possibility नहीं भी है। बोले तो 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 यही thought process हो सकता है। है? ऐसे सोचो, ठीक तो ये तो नहीं सोच सकते ना कि अच्छा, वो भी बोल रहे हैं मतलब पॉसिबिलिटी देर कुड स्लोअर हाईवे देर कुड बी अ लॉन्गर हाईवे देखो बेटा सुनो सुनो है भी नहीं भी है मैं आपको खाली बोल रहा हूं पॉसिबिलिटी है दैट इज वाई सेकंड आंसर इज Only assumption, one is valid. Did everybody understand? अगर समझ गया तो इसी वक्त जाओ कॉमेंट सेक्शन में एक फायर एमोजी लगाओ और एक दिल लगाओ समझा सबको धीरे धीरे करे आराम से करे टेक योर टाइम राइट चलो पीपल नेक्स्ट क्वेश्चन सेम थिंग है ये स्टेटमेंट है दो अजम्पन है पढ़ो एंड वापस वो आंसर की लगाओ ए वन इज वैलिड बी टू इज वैलिड सी बोथ आर वैलिड डी ना इधर इज वैलिड ओके okay, चलो तो वापस पढ़ लेते हैं एक बार स्टेटमेंट क्या बोल रहा है मोहन रिक्वेस्टेड मम्मी टू अरेंज फॉर फूड फॉर अबाउट थर्टी पर्सन

ये तो अजम्पन हो सकता है थॉट प्रोसेस हो सकता है क्योंकि ये सोच के तो आप इनवाइट करते हो कि सब आएंगे लेकिन टेल मी आई कैन ऑल्सो टेल यू कि ऐसा नहीं भी हो सकता है कि ऐसा जरूरी नहीं कि आपने जिस जिस को इनवाइट किया वो सब आएंगे रिमेंबर पीपल दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी तो दैट इज वाई इन दिस केस पहली बात तो दिस बिकम्स टू डेफिनेटिव ठीक है मतलब कि वेलकम मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स वेलकम जैसे मैंने आपको बताया था ना एक्सट्रीम मेनी मेजोरिटी ऑल इसके लिए ये वैलिड अजम्पन नहीं है ठीक है क्योंकि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो दे विल कम दे मे नॉट कम वो अलग चीज हो जाती है मैंने बोला गलत है। अच्छा हा, कितना प्यारा देखो पढ़ के कितनी खुशी हो रही है देर मे नॉट बी मोर देन थर्टी हु मे ये ठीक है क्योंकि ये सोच के ही मोहन ने मम्मी को क्या बोला है कि मम्मी तीस जनों तक का खाना रेडी रखना तो मतलब मोहन ने क्या सोचा है तीस तक तो जन आएंगे अभी आप आर्ग्यू कर सकते हो मेरे साथ सौ नहीं आए तो सौ चालीस आए तो बीस आए तो ऑल ऑफ दैट इज आउटकम उसके लिए अभी मत सोचो ये सोचो मोहन ने क्या सोच के ये बोला है मोहन ये नहीं सोच सकता कि मेरे सारे फ्रेंड्स आएंगे मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आएंगे नहीं

हंड्रेड परसेंट आपको इसके बाद एक अजाम्शन का सवाल पूछा है तो सोचते चलो अजाम्शन के बारे में लेट स्टार्ट कल्चरल एक्सचेंज इज ऑफ्ट इन अज्यूम टू बी प्रोग्रेसिव तो कल्चरल एक्सचेंज की बात हो रही है बर्ड बेटा यहाँ पे बट बहुत इंपॉर्टेंट है इट इज अ ट्रांजिशन वर्ड

जीनो मतलब फॉरेनर ये यार थोड़ा कुछ चीजें अभी याद रखो बेटा थोड़ा वोकेबुलरी पे काम भी करो आना चाहिए आपको ठीक है सो so चलो तो फिर ना अभी हम लोग बोल रहे हैं कि कल्चरल एक्सचेंज इज द सोल्यूशन

इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इरा अभी अचानक लैंग्वेज की बात आ गई ठीक है ऑल दो इट हैज लॉन्ग हिस्ट्री देर इट्स नेशनल स्टेटस एंड क्लोज एसोसिएशन विद्री डिपेंड ऑन इवेंट्स इन द नाइनटीन सेंचुरी थोड़ा अभी हिस्ट्री पे चले गए हम ठीक है एज द रशियन एम्पायर फॉलोड अप इरानियन टेरिटरी इ वर्ड हमको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए आगे पढ़ते हैं स्कलेरोटिक क्वजार डायनेस्टी रूलिंग ईरान प्रूव इनकेपेबल ओ ओ इनकेबल इज नेगेटिव वर्ड मतलब स्क्लेरोटिक इज अ नेगेटिव वर्ड बस बस खत्म खत्म खत्म

ठीक है बाई द एंड ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी इरानियन इंटेलेक्चुअल्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग परजियन देखो परजियन भी बेटा बार बार आ रहा है ठीक है जहां पे आप बेसिकली बोल रहे हो कि परजियन इज नथिंग बट लैंग्वेज फ्रॉम द लिंगुआ फ्रेंका बेटा लिंगुआ फ्रेंका मतलब भाषा बोलने वाली भाषा ऑफ अ सेंटरलेस परजियन एट वर्ल्ड स्पैनिंग मच ऑफ एशिया इन टू द लैंग्वेज देखो बेटा लैंग्वेज वर्ड भी आ रहा है ऑफ नेशनल आइडेंटिटी इन द नेशन स्टेट ऑफ ईरान तो अभी पूरा पढ़ लिया इसका भी मेन मुद्दा क्या है सर ये बात क्या कर रहा है की देखो अमित सर कैसे हाईलाइट करते हैं तो बेटा की दिस विल हेल्प यू इन आर एंड इन क्रिटिकल रीजनिंग वी आर टॉकिंग ऑफ कल्चरल एक्सचेंज वी आर टॉकिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड हम लोग बेसिकली उसके बाद बोल रहे हैं लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है देन वी सेट पर्शियन लैंग्वेज कैसे बढ़ के बन गया बहुत इंपॉर्टेंट एंड फाइनली हाउ इट वॉज स्टार्टेड टू डोमिनेट एंड एवरीथिंग एंड इट टुक ओवर ठीक है चलो तो so पीपल ये हो गए आपके कीवर्ड्स अभी कीवर्ड्स के बेसिस पे आप इसमें ऑप्शंस लगाओ ठीक है व्हाट इज द बेसिक अबाउट इफेक्ट्स ऑफ कल्चरल एक्सचेंज ऑन नेशनलिज्म ठीक है तो बेटा मतलब थॉट प्रोसेस ऑफ दिस तो पहली बात तो पैसेज में जाओ पैसेज में अगर आप देख रहे हो कल्चरल एक्सचेंज नेशनलिज्म का पार्ट इस पार्ट में आया है बट अभी ऑप्शन देखते हैं आ जाओ कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज लीड्स टू इंक्रीज कॉजमोपोलिटनिज्म अच्छी बात है दिया है पैसेज में लेकिन बेटा ऑलवेज मतलब एक्सट्रीम ऑप्शन है ऐसा तो नहीं दिया है अच्छा चलो वो भी जान दो कॉस्मोपोलिटनिज्म बहुत ही ज्यादा नैरोड है आप देख लो पहली बात तो ऑलवेज बोला है और वो एक भाग है पैसेज का तो यह गलत है इसकी वजह से ऑप्शन एलिमिनेट कल्चरल एक्सचेंज कैन पॉस्टर नेशनलिज्म इंस्टेट ऑफ क्योंकि 100% परसेंट अगर आप पैसेज में देखते हो कि कल्चरल एक्सचेंज एजीडोट टू नेशनलिज्म मतलब अच्छी बात है सो पीपल ये तो सोच के लिखा है कि कल्चरल एक्सचेंज नेशनलिज्म को बढ़ाता है घटाता नहीं ऊपर से कैन भी दिया है तो दिस इज गुड देखो बेटा खाली की के बेसिस पे ऑप्शन चमक रहा है आगे बेटा ये ये थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि ये भी हो गया गया क्योंकि भी ऑप्शन बहुत एक्सट्रीम ऐसा तो नहीं है अच्छा एक्सचेंज no इसको हम लोग बोलेंगे वेग या तो अजीब बचा आपका एक आंसर विच इज आंसर ऑप्शन बी समझा अच्छा पीपल मैंने आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रखा है रॉन्ग ऑप्शंस का एक एक का एक्सप्लेनेशन दे रखा है प्लीज टेक योर टाइम ये नोट्स आपके पास आ जाएंगे बेटा पढ़ लेना ठीक है मैं अभी गो थ्रू नहीं कर रहा हूं बिकॉज आई डो वॉन्ट टू जस्ट रीड आउट द स्लाइट बट यू प्लीज रीड इट इफ यू नॉट अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन चलो पीपल और सॉल्व करते हैं ठीक है मजा तो आ रहा है तो अजाम्शन हो गया अभी कंक्लूजन पे सेम चीज चलते हैं जहां पे आई एम गोइंग टू शो यू अ स्टेटमेंट उसके बेसिस पे कंक्लूजन वन कंक्लूजन टू आपको आंसर की लगाना है ए इफ वन फॉलोज बी इफ टू फॉलो सी इफ बोथ फॉलो डी इफ नाइदर इधर भाई पढ़ो आंसर करो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो statement बोल रहा है कि सिगरेट पैक पे वार्निंग लिखा है स्मोकिंग है अब इसका इसका क्या क्या है इसका conclusion क्या है कि स्मोकिंग शुड बी बैंड अभी देखो बेटा अच्छा पहली बात तो इसको इमीजिएटली आप बोलोगे बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है ठीक है एंड वापस ऐसे कोई बैनिंग वैनिंग का कंक्लूजन कभी करना भी मत ये बहुत ज्यादा जजमेंटल है तो ये गलत है क्योंकि आपने बोला सिगरेट पैक पे लिखा है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस हाँ ये yes. इसका बैन कर दो तो ये गलत है अच्छा स्मोकर्स पे अटेंशन टू सच वार्निंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है Interesting है अभी आप बोलोगे हाँ सर ये तो डेफिनेटली है ठीक है क्यों नहीं कर सकते हैं क्योंकि तभी तो छापते हैं वो पर लेकिन मैं आपको ये भी बोलूंगा कि बेटा करते तो है लेकिन नहीं भी कर सकते हैं मतलब दिस ऑप्शन इज हैश कुछ भी ऑप्शन अमित सर ने क्या बोला कुछ भी ठीक है मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो वैसे भी बोल सकते हो आप बोल सकते हो वार्निंग करते मैं बोल सकते हो, वार्निंग नहीं भी कर सकते हैं टू इज एक्चुअली एन अजम्पन भी आप बोल सकते हो क्योंकि द मैसेज ऑन द पैक ठीक है ये सोच सकते हो ठीक है अटेंशन हाँ, ठीक है ऐसे बोल सकते हो टू दे एक्चुअली फॉलो एड नहीं पता कुछ भी हो सकता है दैट इज वाई पीपल करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन आई होप दिस इज क्लियर चलिए एक और करेंगे सो so, सेम है पीपल स्टेटमेंट है दो कंक्लूजन है ए बी सी डी लगाओ पढ़ो चलो पढ़ेंगे इसको भी आराम से the, अच्छा बेटा आप पढ़ के आंसर लगा रहे हो कि नहीं यार जाके लाइव चैट और आंसर लगाते, चलो, कोई तो एक प्रपोजल है प्लानिंग कमीशन ने बोल दिया है ना ठीक है अच्छा इट फील्स इट मतलब प्लानिंग कमीशन फील्स दैट द कॉस्ट ऑफ सब्सिडाइजिंग हेलीकॉप्टर ऑपरेशन सब्सिडाइजिंग का मतलब होता है जहां पे पार्ट बेर इज बाय द गवर्नमेंट पार्टली मतलब हम आधा भरेंगे आप आधा भरोगे उसको सस्ता करते हैं हेलीकॉप्टर ऑपरेशन विल बी एग्जॉर्बिटेट एग्जॉर्बिटेट मतलब वेरी वेरी हाई तो उसने बोला नहीं चलेगा नहीं करना है अब इसकी बेसिस क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग प्लानिंग कमीशन वॉन्ट्स द तो गवर्नमेंट टू स्पेंड लेस ऑन इट्सल्फ अरे वाह जबकि प्लानिंग कमीशन ने खाली बोला है कि हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस को सब्सिडाइज नहीं करना है उसके बेसिस पे कैन यू कंक्लूड द प्लानिंग कमीशन को बोल रहा है कि गवर्नमेंट को स्पेंडिंग कम करना चाहिए दिस ऑप्शन इज टू ब्रॉड जहां पे आप एक चीज की बात कर रहे हो एक चीजों पे पैसे बचाने की बात कर रहे हो आप ये नहीं बोल सकते कि ओवरऑल स्पेंडलेस दैट इज वाई इट इज रॉन्ग बी हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस मस्ट बी सब्सिडाइज इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑप्शन क्योंकि पैसेज बोल रहा है कि उसके खिलाफ है कंक्लूजन बोल रहा है कि ऐसा तो होना चाहिए उल्टा हो गया दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज वापस से ना इधर नाइधर कंक्लूजन फॉलो पीपल लिटरली इट इज दैट इजी इट इज दैट सिंपल इसलिए धमाकेदार awesome है ये ऑसम है ठीक है चलो पीपल वापस से कैट लेवल सवाल तो बनता है पीपल डोंट फर्गेट देखते ही देखते आप लोगों ने तीन चार पांच सवाल कर लिए छठा सवाल कर रहे हैं आ जाओ साथ में करते हैं मजा आता है लेट्स कंटिन्यू तो बेटा वन सेकेंड आपको ये पैसेज पढ़ के उसका कंक्लूजन लगाना है ठीक है सो पीपल लेट्स गेट स्टार्टेड एथिक्स इज डूइंग वन ऑट टू टू डू मिनिमाइज पेन ठीक है एंड इंक्रीज बेनिफिट ठीक है टू ह्यूमन काइंड एंड अदर लिविंग स्पीशीज केपेबल ऑफ फीलिंग पेन एंड प्लेजर तो बोल रहा है कि ऐसा कुछ करो ताकि सबके हित में हो ठीक है। जॉन डो इग्नोर द मॉरल थियोरीज ऑफ यूटेलिटेरियनिज्म एंड डिओंटोलॉजी तो जॉन भैया करके कोई तो है ये दो थियोरियों को वो इग्नोर करते हैं बेटा अभी स्ट्रेस मत लो सॉरी मतलब क्या है आगे पढ़ते हैं देखते हैं द फॉर्मर तो फॉर्मर मतलब यूटेलिटेरियनिज्म एडवोकेट्स मतलब प्रमोट मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द मेजोरिटी बेनिफिशरीज ठीक है तो यूटेलिटेरियनिज्म मतलब सबके हित में Latter, latter मतलब डीटोलॉजी रिक्वायर्स एंड स्टिकिंग टू बेटा दो प्रकार के हैं पहला बोलता है सबके हित में जारी ठीक है सबके हित में देखो सेकेंड वो बोलता है कि सही चीज करनी है चलो ठीक है he infringes on the way, he मतलब यहां जॉन डो इनफ्लुएंज इन्फ्लुजिस का मतलब होता है अटैक करना ठीक है आज के अंदर आना ऑन वेल बींग ऑफ द ऑथर्स बाय यूजिंग द क्लोक एप अभी एक ऐप आ गया विच अलाउज हिम टू डाउनलोड कॉपी राइटेड कॉन्टेंट तो बेटा कॉपी राइटेड मतलब प्रोटेक्टेड कॉन्टेंट ठीक है अनडिटेक्टेड देयर बाय फ्लॉपिंग हिज फ्लॉपिंग मतलब के क्या बोलू मैं आपको ट्विस्टिंग हिज मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब कि वो ऐप यूज कर रहा है ऐप से वो चीटिंग चीटिंग कर रहा है और ऐसी चीजें डाउनलोड कर रहा है जो उसको नहीं करनी चाहिए ठीक है वन कैन टेल हु अ पर्सन इज बाय व्हाट दे डू व्हाइल अलोन विद नो वन वाचिंग सिंस द क्लोक हाइड्स जॉन्स आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोबेबली प्रोफेसर डज नॉट चेक ऑन प्लेजियरिज्म तो प्लेजियरिज्म मतलब कॉपी करना सुनो सुनो तो हमारा जॉन भैया है जॉन भैया एक करता है में से ना वो चोरी छुपे दूसरों की चीजें डाउनलोड करता है जॉन भैया को देखता भी कोई नहीं है और ऊपर से जब वो सबमिट करता है प्रोफेसर को प्रोफेसर भी पूछता ही नहीं है कि भाई तुमने कॉपी किया है कि नहीं किया है ठीक है ही जस्टिफाइज हिज एक्शन बाय हिज डिजायरिंग एंड इकोनॉमिक स्टेटस Finally, उसका well तो इस पूरे में ने बोला क्या है पूरे पैसेज में ऑथर जी ये बोल रहे हैं कि एथिक्स अच्छी बात है ठीक है उससे ये दो फायदे होते हैं ठीक है दो कॉन्सेप्ट समझाए हैं ठीक है अच्छा उसके बाद जॉन भैया के बारे में बोला है जो क्लोक ऐप डाउनलोड करके यूज करते हैं एंड वहां पे उसका अच्छा नहीं हो रहा है ठीक है क्योंकि उसको कोई देख नहीं रहा है कोई चेक नहीं कर रहा है जॉन भैया ये कारनामे कर रहे हैं एंड फाइनली कंक्लूजन में ऑथर ने मोरलिटी का डेफिनेशन दे दिया चलो पीपल इसी के साथ लेटर्स लेटर्स चेक विद ऑप्शन कंक्लूजन निकालो ठीक है इट इज अनएथिकल फॉर जॉन डो टू यूज द क्लो कैप पीपल टेल मी कैन वी नॉट कंक्लूड दिस फ्रॉम द पैसेज हंड्रेड परसेंट यस क्योंकि हमने पैसेज में बोला है जॉन डो भैया ये जॉन डो भैया वो ओ माई गॉड उसके बेसिस पे कैन वी कंक्लूड कि जॉन डो भैया गलत कर रहे हैं हंड्रेड परसेंट कर रहे हैं ठीक है ये उनको नहीं करना चाहिए गलत काम है अच्छा यू टेलीटेरियनिज्म एंड डिओंटोलॉजी आर मॉरल थियोरी अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है क्योंकि ये दिया भी हुआ है लेकिन बेटा आपको पूछा है कंक्लूजन मेड फ्रॉम द पैसेज पूरे पैसेज का कंक्लूजन दिस इज टू स्पेसिफिक दिस इज नॉट द आंसर तो ये प्यारा लग रहा है पार्ट कंक्लूजन है पार्ट ऑफ द कंक्लूजन ये आ रहा है ओवरऑल ये नहीं आ रहा है इसके लिए ये गलत है जॉन डो डज नॉट केयर फॉर द यूनिवर्स इज वेलबींग बेटा ये ऑप्शन को बोलते हैं डिस्टॉर्टेड देखो ठीक है ये थोड़ा इनडायरेक्टली या व्यर्ड वे से आ रहा है हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जॉनडो अनएथिकल है चीटिंग कर रहा है, कर रहा रहा है नहीं है है कॉपी नहीं ठीक है ये हमने बोल दिया लेकिन अभी हम लोग बोलते हैं कि मोरालिटी मतलब सबके बारे में केयर करना आपका कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि जॉन डो ना किसी के बारे में केयर नहीं करता तो बेटा ये ऑप्शन डिस्टॉर्टेड है अजीब है ये ऑप्शन आप ये कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो आप बोल सकते हो कुछ हद तक हाँ गलत है यू सी हाउ इनडायरेक्टली द पैसेज इज जॉन डो अनएथिकल यूनिवर्स इज वेलबींग और आपने सीधा क्या दो सबको हटा के बोला जॉन डो यूनिवर्स इज गलत है फाइनली जॉन डो जस्टिफाइड ओ भाई साहब दिस ऑप्शन इज जजमेंटल बेटा ये याद रखना सारे के सारे जजमेंटल हमेशा होंगे रेड फ्लैग कभी भी मत सॉल्व करना ठीक है हाउ कैन यू सी जॉन्डो इज जस्टिफाइड ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं और बोले जॉन्डो इतना कॉपी कैटर चीटर है सो हंड्रेड परसेंट ये भी गलत है करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन ए पीपल समझा सबको समझ में आ रहा है मजा आ रहा है एवरीबडी इज क्लियर ठीक है तो पीपल वंस अगेन डिटेल्ड आंसर एक्सप्लेनेशन है नॉट ओनली दैट एक एक

आपको कैट एसेंशियल के बैच में एनरोल करना है हेलो 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 बैच है विल फ्री का है free का है, बिल्कुल ठीक है, है? वहां पे आपको मिलेंगे daily practice problems and ये homework आपको मिलेंगे ये ये करना है। है? है। so ठीक वापस cat level का सवाल है, इसके बाद ऑप्शन है मैं आंसर नहीं दिखा रहा हूं ये पीडीएफ में आंसर है जब अभी पीडीएफ आपको मिलेगा जो आपको वहां पे सेशन में अटैचमेंट्स के अंडर मिलेगा 100 परसेंट यू कैन फाइंड आउट ठीक है सो so पीपल इसी के साथ ये आपका एक सवाल है एंड पीपल उसके अलावा आपका और एक सवाल है एंड यू नीड टू लेट बी नो दीडीएफ में आपको बाकी सारे सवाल भी मिल जाएंगे, थोड़ा होमवर्क भी करो यार दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ठीक है चलिए सो पीपल इसी के साथ हमने आज का दिन क्या क्या पढ़ा हमने आज का दिन आपको समझाया assumptions and conclusions के concepts, है? उनके बारे में एवरीथिंग हाउ टू स्पॉट देम हाउ टू डू

ठीक है दोनों मिल जाएगा सॉरी सॉरी नोट्स नहीं वो तो पीडीएफ है आपको मिल जाएंगे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम विच आर कैट लेवल इजी मीडियम डिफिकल्ट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे एकदम तगड़े ठीक है चलिए विल इसी के साथ

Until we meet again, this is Amit Sir signing off.